गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू न्यू हियर, आई एम साक्षी। आई मेक फैशन, डांस, मेकअप एंड लाइफस्टाइल वीडियोस। सो या सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट डूइंग दिस लुक राइट हियर एंड इट्स अ ट्यूटोरियल, सो यू कैन रियली ग्रैब योर थिंग्स एंड डू इट विद मी अलॉन्ग विद द वीडियो। एंड इट्स सुपर इजी एंड आई हैव डन इट यूजिंग माय जेल लाइनर। सो या विद दैट लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। गाइस, स्टार्टिंग विद द मेकअप। फॉल आउट बहुत सारा होगा, हम स्मोकी आइज करेंगे तो इसलिए मैंने बेस मेकअप नहीं करा है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद आई मेकअप फर्स्ट। यस, आई हैव टेकन माय कंसीलर बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज इट एज माय बेस। अपने फिंगर से ब्लेंड कर सकते हो, इट्स वेरी इजी टू डू दैट। आई एम गोइंग टू यूज माय जेल लाइनर फॉर द पर्पस ऑफ स्मोकी आईज। इफ यू डोंट हैव अ जेल लाइनर, इन दैट केस यू कैन ऑल्सो यूज अ पेंसिल, काजल पेंसिल, विच एवर यू हैव, or the normal kajals which usually come. So I'm going to take a brush like this which is really dense from the top, and this brush I'm going to dip it into my gel liner. I'm going to pat the color. अगर आपका ऐसा हो गया है, जितना कलर था उतना ब्लेंड हो चुका है, फिर आपको वापस से काजल को लेना है रियली स्मॉल पोर्शन में। एंड इस बार जस्ट आपको सिर्फ नीचे जो आपके आईलैश जबकि आईलैश लाइन है उसके जस्ट ऊपर पैट करना है कलर को। सो जो मोटिव है यहाँ पे वो ये है कि एक बार कलर पूरा स्प्रेड हो चुका है, अब नीचे सिर्फ हमको उसको डार्कन करना है। इट्स गेटिंग डार्कर, धीरे धीरे डार्क होता जाएगा, बट इसको जब आप दूसरी बार कलर पुट करेंगे उसको आपको ऊपर स्प्रेड नहीं करना है। मतलब जो ये वाला एरिया जहाँ पे हमने लाइट सा कलर किया है वहाँ पे उसको वापस से स्प्रेड नहीं करना है। ऑल्सो अगर बहुत स्मजी सा लग रहा है आपका आई शेडो, या आप जो कर रहे हैं जैसे अभी मेरा ये वाला आई में लग रहा है, सो इट्स कम्प्लीटली फाइन, इट्स ओके, इट विल बी फाइन लेटर ऑन, विल डू इट वेल। बट डन विद समथिंग लाइक दिस, जो नीचे थोड़ा सा डार्क ग्रेडियंट सा लुक आ रहा है और ऊपर थोड़ा सा लाइट है, उसके बाद हम लोग आई शेडो पे मूव ऑन करेंगे बिकॉज इट्स गोना जस्ट पैक ऑल ऑफ द कलर टुगेदर। सो मैं यहाँ पे डार्केस्ट ब्राउन जो मेरे पास अवेलेबल है वो मैं लूंगी। सो आई एम गोइंग टू मिक्स दिस डार्क ब्राउन विच इज दिस एंड दिस शेड, सो थोड़ा सा डार्क लुक देगा। एंड मैं इस कलर को अपने क्रीज के यहाँ पर उसको पैट करूँगी कलर को, एंड आई जस्ट so it should look something like this, थोड़ा एक gradient सा दिखाने का कोशिश करेंगे। this hot cocoa shade which is a lighter color like my skin and which is a brown shade and a bit of skin color, and I'm going to just blend this into my eyes along with the previous shade. now once we are done with shadows, I'm going to quickly grab and again get back to my liner. So once आपका ऊपर का eye complete हो जाता है, just get back to the shadow or the liner, whatever आप, और उसको हल्का सा नीचे भी हमको put करना है। I don't like this step pretty much. Eyes का shape है वो इतना smudge कर देता है पूरे काजल को, so I really don't put काजल a lot, but yeah, this look really needs and ask for this thing, so I just put a bit in the like corners. The finishing of this look, हमको काजल पुट करना है वाटर लाइन पे, जो नीचे वाली वाटर लाइन है हमारी उस पर तो करना ही है, लाइक जो नीचे वाली वाटर लाइन है जिस पर यूजली काजल पुट करते हैं उस पर तो करना ही है। इफ़ यू डोंट वॉन्ट इट जस्ट डोंट डू इट इफ यू हैव अ रियली स्मॉल आइज, एंड ऑल्सो जो ऊपर वाला वाटर लाइन होता है उस पर भी पुट करना है। get a bit of this shimmery shade for my inner corners. I'm going to just put it right here to highlight my inner corners. Quickly putting the little bit of the shimmer thing onto my lid, like the top of my lids, because why not? The actual smoky eye look which I did on my Instagram picture, and you guys liked it. Here it is. Now I'm going to just finish off my rest of my makeup, so better watch it.
फाइनल लुक गाइज, आई हैव डन माई मेकअप एज यू हैव सीन एंड दिस इज द लुक। सच वीडियोज प्लीज लेट मी नो, आई विल मेक मोर ऑफ द ट्यूटोरियल्स एंड मेकअप वीडियोज। या मोर ओवर प्लीज लाइक शेयर एंड कॉमेंट ऑन माई वीडियो। प्लीज लेट मी नो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड शैल आई डू इट मोर ऑफन। सो या आई विल सी यू रियली सून, बट बिफोर दैट प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑल्सो। Keep smiling. I'll see you very soon. Bye-bye.